थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य व मुखबिर की सहायता से थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न मुकदमों से संबंधित वांछित अभियुक्त बनारसी पुत्र बालकिशोर निवासी ग्राम एढ़े थाना लालपुर पांडेपुर व अनिल वर्मा पुत्र स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद निवासी ग्राम बेलवरिया थाना शिवपुर व चार नफर बाल अपचारी को लोढ़ान प्राइमरी स्कूल शिवपुर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त बाल अपचारी के कब्जे से चोरी के आभूषण 5 मोबाइल व 6,700 नकद व चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त लोहे की छड़ बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा अग्रतर विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्तों ने अपराध करने का तरीका बताते हुए कहा, अभियुक्त बाल अपचारीगढ़ रात में लोगों के बंद घरों के ताले तोड़कर उसने से नकदी व जेवरात चोरी करके बेचते हैं। ये बाल अपचारी निर्माणाधीन मकानों में लेबर का कार्य करते हैं, साथ ही कूड़ा बिनने का कार्य भी करते हैं। कार्य के दौरान जिन घरों में ताला बंद रहता है उन घरों की पहचान कर लेते हैं तथा निर्माणाधीन मकानों में काम करने के दौरान छोटा छड़ का टुकड़ा लेकर छुपा देते हैं। बाद में रात में घर से निकलकर वही छड़ लेकर हम लोग दरवाजे में लगे ताले को तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं तथा चोरी करने के बाद छड़ को निर्माणाधीन मकान के पास ही फेंक कर चले आते हैं। सभी घरों से चोरी किए गए कुछ सोने व चांदी के सामानों को कपड़े की पोटली में बांधकर राहगीरों को बेच देते हैं। जो पैसा मिलता है आपस में बांट लेते हैं। कुछ सोने चांदी के आभूषण अभियुक्त अनिल वर्मा के पास बेच देते हैं, जो इन बालकों से चोरी का माल खरीद लेता है और इनको थोड़ा बहुत रुपए दे दिया करता था तथा चोरी का माल होने की वजह से अभियुक्त अनिल वर्मा उसी दिन गला देता था, जिसे बाद में बेच देता था। चोरी किए गए मोबाइलों के संबंध में बता रहे हैं कि राह चलते लोगों की जेब से, भीड़भाड़ वाले बाजारों में से, सब्जी फल वाले ठेलों से, कभी साथ में काम करने वाले लेबरों से चोरी कर लिया करते हैं और इन मोबाइलों को बेच दिया करते हैं। जब कोई भी व्यक्ति अपना मकान ताला करके बंद करके चला जाता था तो उसको सिब्बल से तोड़ के वहाँ पे और ये वहाँ पे जो भी बेशकीमती जेवरात थे उनको चोरी करते थे। और एक व्यक्ति है अनिल वर्मा जो कि सुनार है, शिवपुर का रहने वाला है, उसके यहाँ बेच देते थे। इनसे काफ़ी ज्वेलरी बरामद हुई है, कुछ नकद बरामद हुआ और जो है 5 हमने मोबाइल बरामद हुए हैं। इसमें से अधिकतर है जो सोना है वो कहाँ चला गया है, पूछताछ में पता चला है कि जो सुनार है इनमें से उसने सेम डे उसको पिघला के कई जगह बेच दिया है, इसलिए उनका PCR लिया जाएगा और उनसे गहनता से पूछताछ करी जाएगी। कितने सामान बरामद हुआ है? काफ़ी सामान बरामद हो गया, लेकिन जो मेन सामान जो था, जो बता रहे हैं, जो हमारी पूछताछ हुई है, जो वादीगण थे, 6 मुकदमे इन पर लिखे गए हैं, तो उसके एग्जैक्टली डिटेल लेने के लिए PCR लेना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद हम एग्जैक्टली बताएं कितने माल बरामद हुआ है। लाखों का माल बरामद हुआ है, 7,000 में बरामद कैश भी बरामद हुआ और हमें 5 मोबाइल बरामद।